चलिए, एडिशन रिएक्शन हो गया था। रिएक्शन के फोर टाइप्स, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट। एडिशन में तीन टाइप, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन। अब जो रिएक्शन के मेन फोर टाइप्स है उसमें सेकेंड टाइप आज देखना अपने को, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकेंड टाइप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिएक्शन क्या होता है मैंने आपको इन डिटेल बता दिया, ओके ठीक है। अब यहां पर हम देख रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट, मतलब एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स रिप्लेस बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम। एक एटम या ग्रुप जाएगा, दूसरा एटम या ग्रुप आएगा, इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सिंपली मैंने उसको आपको बताया था ऐसे कि ए बॉन्ड बी एक मॉलिक्यूल है, उसमें आपने सी ऐड किया तो वो बन गया ए बॉन्ड सी और बी चला गया। सो एटम और ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन में याद रखना आपको सेम नेचर वाले का रिप्लेसमेंट होता है। अगर इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट जा रहा है यानी पॉजिटिव, तो आने वाला भी क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक। जाने वाला अगर न्यूक्लियोफिलिक है, निगेटिविटी ज्यादा है, तो आने वाला भी न्यूक्लियोफिलिक होता है। सेम ग्रुप में रिप्लेसमेंट होता है। फ्री रेडिकल जा रहा है तो फ्री रेडिकल आएगा, ये फिक्स है ठीक है, ओके सेम नेचर वाले हैं। अरे भाई अगर कोई क्रिकेट प्लेयर इंजर्ड हो गया, विराट कोहली जख्मी हो गया, अरे बराबर है कि नहीं, तो किसको लेकर आएंगे आप? हाँ क्या शाहरुख खान को लाएंगे? अरे नहीं ना। हाँ क्या मजा आता दूसरे लेंगे अपने एग्जाम्पल्स में, और इधर आते फुस ठीक है। तो जो नेचर वाला क्रिकेट प्लेयर गया तो क्रिकेट प्लेयर ही आएगा ना, अरे बराबर है कि नहीं है। तो वैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट जाएगा, पॉजिटिव पार्ट आएगा, निगेटिव पार्ट जाएगा, निगेटिव पार्ट आएगा। अभी खटाखट आपने 8-10 प्लेयर के नाम ले लिए। अब मैं पूछता हूँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, अपनी फील्ड की बात करो, दूसरे की फील्ड की छोड़ दो। हवा टाइट, मैंने कहा था वो 19 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सब लोग याद रखो। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू आपको याद है, आप इजीली पहचान सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ऑलमोस्ट 99%, कुछ एक्सेप्शनल केस रहते हैं, लेकिन मैंने कहा था आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कुछ एलिमेंट्स का लर्न कर लो, आप पहचान सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। आप लोगों का यही प्रॉब्लम है, घर जाकर रिवाइज नहीं करते, बेसिक चीजें लर्न नहीं करते। अगर आपने ये लर्न नहीं किया तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा। अगर अभी भी लर्न नहीं है तो लर्न कर लो ठीक है। अब इसमें तीन टाइप है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहला टाइप देखते हैं हम, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिएक्शन नंबर वन, सब्स्टिट्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आएगा। एकदम सिंपल सा रिएक्शन मैं आपके सामने बताता हूं, जरा ध्यान से देखो। एग्जाम्पल सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, इसका रिएक्शन हम कर रहे हैं विद सोडामाइट NaNH2। अब आप मुझे बताओ कार्बन और हाइड्रोजन में निगेटिविटी किसका ज्यादा है? हाँ वैसे मैंने आपको एक पॉइंट बताया भी था कि ये बेसिक बीच बीच में छोटे पॉइंट्स आएंगे कुछ, तो भी अभी थोड़ा ध्यान से देखना है। अभी यहां पर जो है ना, अरे सब लोग थोड़ा ध्यान से, कुछ यहां पर पॉइंट्स ऐसे आएंगे जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं लेकिन आपको याद नहीं आता है तो बार बार रिवाइज करना पड़ता है।
ट्रिपल बॉन्ड वाला जो कार्बन होता है ना, इसका निगेटिविटी 3 होता है, ये याद रखो। डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन होता है ना, उसका होता है 2.75, और अपना जो सिंगल बॉन्ड वाला रहता है उसका निगेटिविटी 2.5 होता है। ठीक है, जितना मल्टीपल बॉन्ड आते जाएंगे तो कैरेक्टर क्या बनता है, याद है क्या आपको? sp3 से sp2 sp, p कैरेक्टर कम हो रहा है, s कैरेक्टर बढ़ रहा है। जहां s कैरेक्टर बढ़ता है तो निगेटिविटी बढ़ती है ना। वैसे भी हाइड्रोजन से ज्यादा निगेटिव है कार्बन, लेकिन जब ट्रिपल बॉन्ड वाला आएगा तो और ज्यादा निगेटिव रहेगा ना। तो ये बनेगा निगेटिव सेंटर और ये बनेगा पॉजिटिव सेंटर। रिएक्शन देखो, रिएक्शन ये हुआ CH ट्रिपल बॉन्ड CNA। आप मुझे बताओ रिएक्शन में क्या हुआ? एच गया, हाँ। अब ये तो अपने को पता है पॉजिटिव होता है सोडियम और ये निगेटिव, तो कौन सा पार्ट गया? पॉजिटिव पार्ट। कौन सा पार्ट आया? मतलब इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट जा रहा है और इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट आ रहा है, तो रिएक्शन कौन सा हुआ? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां से जो एच निकलेगा वो NH2 के साथ मिल जाएगा, बन जाएगा NH3। इसका नाम है सोडियम इथाइनाइड। सोडियम ट्रिपल बॉन्ड को इथाइन बोलते ना, तो इथाइनाइड बना देने का, सोडियम इथाइनाइड फ्रॉम इथाइन। इथाइन का फेमस नेम क्या है? एसिटिलीन। अरे याद है क्या? एसिटिलीन। चलो हम आगे बढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एग्जाम्पल 2 जरा ध्यान से, CH3CH2OH सोडियम, CH3CH2ONA हाइड्रोजन चला गया, हाफ H2। इसका नाम है इथाइल अल्कोहल। ये तो आप बचपन से जानते हैं, इथाइल अल्कोहल। और ये कौन है? सोडियम इथ ऑक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड। तो इथाइल अल्कोहल से सोडियम इथॉक्साइड का जो कन्वर्जन हो रहा है उसमें कौन गया? गया कौन? हाइड्रोजन, जो कि ऑक्सीजन के कंपैरिजन में क्या है? पॉजिटिव। और जो आया वो कौन है? सोडियम। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हाँ, इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू को याद रखो, इसकी निगेटिविटी कम है ऑक्सीजन से, तो जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन वो देकर जाएगा ना, और जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वो क्या बनता है? इलेक्ट्रोफाइल। इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जिसको निगेटिविटी याद है वही पहचान सकता ना, एग्जाम में ऐसा खूबसूरत अच्छे से चार्जेस बनाकर थोड़ी देगा आपको पहचानने के लिए। अरे समझा क्या? ठीक है, तो ये आपको वो 19 एलिमेंट्स याद रखो। ठीक है, अब दूसरा आता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक न्यूक्लियोफाइल जाएगा और दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा। एग्जाम्पल जरा ध्यान से देखो, CH3CH2OH। जब तक प्रोडक्ट नहीं रहा पहचान सकते क्या अपन? नहीं पहचान सकते ना, क्वेश्चन आएगा, जरा रेडी रहो सब लोग। HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 कैटलिस्ट है, रिएक्शन में चेंज हुआ CH3CH2Cl प्लस H2O। हाँ, यहां से कौन गया है? हाइड्रोजन गया। सोच के बोलने का, ऑक्सीजन गया, पूरा OH गया है, और कौन आया है? Cl। हाइड्रोजन का निगेटिविटी इधर 2.1 और ये ऑक्सीजन 3.5। ज्यादा जो रहता इलेक्ट्रॉन रख लेता ना। ठीक है,
अब यहाँ पर जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? ओ इब्राहिम बात नहीं करने का, इधर देखो 3.5 और ये कौन है 2.5। जब बॉन्ड ब्रेक होगा दोनों इलेक्ट्रॉन कौन रख लेगा? OH का नेगेटिविटी ज्यादा है ना, इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, मतलब कौन है ये? निगेटिव। और ये कौन है? पॉजिटिव। तो जाने वाला निगेटिव, निगेटिव मतलब कौन? न्यूक्लियोफाइल। सेम Cl का नेगेटिविटी 3 2.8। अरे 3.8 ना, अरे नहीं ना 2.8 ना, हाँ 2.5। बॉन्ड ब्रेक होगा दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेकर आया साथ में अपने? ब्रेक नहीं हुआ, फॉर्म हुआ। तो ये नेगेटिव है ना और ये पॉजिटिव। एक न्यूक्लियोफाइल जा रहा है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं एग्जांपल देने वाला हूं, रेडी रहो सब लोग। जब एक न्यूक्लियोफाइल जाएगा दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा, उसको कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वैसे इसके भी टाइप होते हैं और मैकेनिज्म के टाइप, SN1 SN2, वो अपन पढ़ेंगे बाद में। ओके ठीक है पप्पू, इधर देखो जरा ध्यान से। अब थर्ड आप समझ गए होंगे कौन सा होगा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल जाएगा और फ्री रेडिकल आएगा। इसका एग्जांपल, इसमें क्या करते हैं, एक इनिशिएटर लेते हैं जो रिएक्शन को स्टार्ट करता है। जैसे कुछ जगह तो लाइट होता है इनिशिएटर, लाइट लाइट रिएक्शन को स्टार्ट करती है। जैसे आपने क्लोरीन लिया इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट के प्रेजेंस में जब क्लोरीन आता है तो इसमें होमोलिसिस होता है। क्या होता है इसमें? मतलब दोनों रख लेते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन, Cl रेडिकल प्लस Cl रेडिकल। इनके पास पहले से लोन पेयर होते हैं, आपको मालूम है ना, हैलोजन के पास 3 लोन पेयर होते हैं, वो तो उसके पास है। आप कंफ्यूज नहीं होना इसलिए मैं बता दे रहा आपको, ठीक है। लेकिन अभी याद रखने का, दोनों Cl एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर गया तो इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। होमोलिसिस मतलब इक्वल ब्रेकिंग, यहाँ हेट्रोलिसिस हुआ ना, कोई एक लेके जा रहा है दोनों इलेक्ट्रॉन या कोई दोनों छोड़कर जा रहा है, ये हेट्रोलिसिस है, अनइक्वल। और ये कौन है? होमोलिसिस, इक्वल ब्रेकिंग। ओके तो ये बन गया Cl फ्री रेडिकल, ये बन गया Cl फ्री रेडिकल। अब ये जाकर मीथेन से रिएक्शन करने वाला है CH4। CH4 को ऐसे लिख सकते हैं, अपना मीथेन पहचाना क्या? अपना मिथु, अरे पहचाना क्या? अरे पहचाना, हाँ हेयर स्टाइल चेंज करके आया हूँ, ये दिख रहा है क्या? हाइड्रोजन इसी का पार्ट है ना, फ्लिक्स निकाल के। अच्छा अरे समझा क्या? अरे पहचाना क्या? अपना मिथु, हाँ ठीक है CH4 मीथेन। कौन है ये? जब इसके पास आएगा Cl रेडिकल तो डेफिनेटली यहाँ जो रिएक्शन होती है तो निकलने वाला भी फ्री रेडिकल बनकर ही जाता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि फ्री रेडिकल आ रहा है न्यूक्लियोफाइल जा रहा है इलेक्ट्रोफाइल जा रहा है, ऐसा नहीं। जब ये फ्री रेडिकल आएगा तो इसमें भी क्या होगा? होमोलिसिस। ये Cl रेडिकल H को लेकर चला जाता है तो यहां बन जाता है CH3 रेडिकल प्लस HCl चला गया। फिर दूसरा Cl रेडिकल आता है जो तैयार हुआ ना दूसरा वाला, वो इसके पास आता है, यहां पर दिख रहा है उसमें, नहीं दिख रहा है, यहां लिख दूं, ये CH3 रेडिकल जो तैयार हुआ है उसके साथ आता है दूसरा रेडिकल और क्या बन जाता है? CH3Cl। तो देखिए एच रेडिकल चला गया और उसके प्लेस पे कौन आया? Cl रेडिकल। स्टेप बाय स्टेप हुआ, पहले एच चला गया और मिथाइल रेडिकल बना, फिर बाद में Cl रेडिकल आया। समझा आपको? तो एक फ्री रेडिकल जा रहा है दूसरा फ्री रेडिकल आ रहा है। इसकी पहचान, जब भी आप फ्री रेडिकल रिएक्शन को पहचानना चाहेंगे तो आप देखेंगे या तो वहां पर क्या लिखा हुआ आएगा, लाइट, क्या लिखा हुआ आएगा, या वहां पर लिखा हुआ आएगा यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट, या फिर क्या लिखा रहेगा वहां पर, फोटो रिएक्शन। क्या लिखा रहेगा? फोटो रिएक्शन। फोटो रिएक्शन मतलब, फोटो मतलब लाइट, लाइट मतलब एनर्जी। या क्या लिखा रहेगा वहां पर, एच इंटू न्यू, न्यू क्या के लिए यूज होता है, फ्रीक्वेंसी, न्यू क्या के लिए, फ्रीक्वेंसी, लाइट की फ्रीक्वेंसी मतलब। और ये एच प्लंक्स कॉन्स्टेंट अपन पढ़ेंगे बाद में, ठीक है, ये लिखा रहेगा। या फिर एट वेरी हाई टेम्परेचर,
ये हाई टेम्परेचर पर भी होता है फ्री रेडिकल, जैसे 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी होता है, या फिर एरो पे क्या लिखा हुआ रहेगा, ये सब ऑप्शंस में बता रहा हूं आपको क्या आ सकते हैं, या फिर वहां पर रहेगा परऑक्साइड, क्या लिखा हुआ रहेगा परऑक्साइड, इसको कहते हैं जिसमें O2 होता है, O2, जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड, देखो HOOH, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, शॉर्ट में कैसे लिखते हैं इसको, H2O2, तो H2O2 लिखा हुआ हो सकता है, या आ सकता है Na2O2 सोडियम परऑक्साइड, या R2O2 अल्काइल परऑक्साइड, कुछ भी आ सकते हैं, ये उसकी आइडेंटिफिकेशन। ओके चलो अभी सब लोग जरा ध्यान से देखना है, देखते हैं कितने लोगों को समझ में आया या नहीं आया। मैं कुछ रिएक्शन लिखने जा रहा हूं, सब लोग खुड़ हाँ इधर देखो, सब लोग इधर, हाँ चलो, क्या आप लोग तैयार हैं? वेरी गुड, जरा ध्यान से देखिए सब लोग, तीन रिएक्शन आपके सामने हैं, आप मुझे बताओ पहला रिएक्शन कौन सा है। यस, यूवी लाइट देखकर पहचान लिया आपने, यहां से एच रेडिकल जाएगा और सीएल रेडिकल आएगा, समझा आपको? हाँ, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, चलो ये वाला बोलो, न्यूक्लियो इलेक्ट्रो, ऐसा कौन सा नाम है, कितने लोग बोल रहे न्यूक्लियोफिलिक, ये सब नींद में है, कितने लोग बोल रहे इलेक्ट्रोफिलिक, क्यों इलेक्ट्रोफिलिक है बोलो, हाँ यहां से हाइड्रोजन जा रहा है, उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.1, कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.5, जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन रख लेगा, कार्बन, और अपन ने अभी कुछ दिन पहले ही पढ़े ये डोनेटिंग ग्रुप ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, भूल गए क्या, अरे अभी देखे ना अपन ने, इसके पास लोन पर है ना, ये डोनेटिंग ग्रुप है, तो डोनेटिंग ग्रुप कौन सा इफेक्ट बताता है, प्लस आर इफेक्ट, याद है क्या, इलेक्ट्रॉन, यस सर बोलते आंसर ही नहीं देते बस, ये डोनेटिंग ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पर देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एच इलेक्ट्रोफाइल जाएगा और दूसरा कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, सो दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाँ, यहां से एच इलेक्ट्रोफाइल चला गया, अब आप बोलेंगे सीएल इलेक्ट्रोफाइल बनके कैसा आया है, तो निगेटिव रहता है, एक्चुअली ये एफ इसको अट्रैक्ट करता है, ये एफ इसको अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ के बॉन्ड भागते हैं इसका क्लोरीन के तरफ, तो ये बन जाता है निगेटिव और ये बन जाता है पॉजिटिव, मतलब ये FeCl3 जो है लेविस एसिड बोलते हैं इसको, ये आकर सिमेट्रिकल को अनसिमेट्रिकल बनाता है, दोनों सीएल का निगेटिविटी सेम है, इलेक्ट्रॉन एकदम बीच में है, इधर से सीएल ने आके उसको थोड़ा सा खींचा अपनी तरफ, तो इलेक्ट्रॉन भागे पूरे उसके तरफ, एफ ई ने खींचा उसको, तो इसलिए जिधर इलेक्ट्रॉन गए वो बन गया न्यूक्लियोफाइल, और जिस पर आए जहां से गए वो क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल, वो इलेक्ट्रोफाइल आकर यहां पर बैठ गया, ठीक है, समझा क्या, नो प्रॉब्लम। अब जरा ध्यान से देखो, ये तो गली का बच्चा, कौन इलेक्ट्रोफाइल, अरे तोबा 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 तोबा,
इतना क्लियर, चश्मा साफ करो तुम्हारा। हाँ, ये कार्बन का निगेटिविटी कितना है? 2.1, सीएल का 2.8। जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा ना, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल जाएगा और ये एज ए न्यूक्लियोफाइल आएगा ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझा? समझा क्या? नो प्रॉब्लम, एक मिनट इसको पॉज करो। चलो जरा ध्यान से देखो, इधर मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, अब देखते हैं आप लोगों का दिमाग। दिख रहा है ना उसमें? पहले बताओ मुझे रिएक्शन का टाइप कौन सा है? इतने एग्जांपल हो गए, फटाक से आंसर आना चाहिए था। अच्छा, कितने लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है? कितने लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है? एक, दो, तीन। अच्छा, पहले कॉन्फिडेंस नहीं था, एक ने हिम्मत उठाया तो चल हम तेरे साथ है। हाँ, चार पांच इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक वाले कितने? क्या सोच के न्यूक्लियोफिलिक बोल रहे हैं आप मेरे को ये बोलो, मतलब क्या सोच के आपने न्यूक्लियोफिलिक बोले, बोलो। तो नाइट्रोजन गया का? वो तो जाता वही है ना, वो गया ही नहीं तो उसका सवाल ही पैदा नहीं आता इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। अरे भाई, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक है, जाने वाला एच है, तो ये बनेगा इलेक्ट्रोफिलिक ही रहेगा। सिर्फ डिफरेंस ये है कि ये निगेटिव ये पॉजिटिव, ये एफ ही आकर बनाएगा इसको। डिफरेंस क्या है? ये पैरा पर हुआ है और ये मेटा पे हो रहा है, क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप आया तो इलेक्ट्रोफिलिक ऑर्थो या पैरा पर होता है, और विड्रॉइंग ग्रुप आया तो मेटा पर होता है। मैंने बताया भी आपको, ये प्रॉब्लम होता है घर जाके नहीं लिखना जो वर्क रहता है, और उसको रिवीजन नहीं करना, और आप समझने लगते हैं कि आपको सब कुछ आता है, ये तो बहुत इजी है, और जब एग्जाम आता है तो पूरी हवा निकल जाती है। तो ये प्रैक्टिस नहीं करने का देखो रिजल्ट है। अभी तो लेवल वन चीज है ये, लेवल टू लेवल थ्री आएंगे, नीट के क्वेश्चन आएंगे तो आपका क्या हाल होगा? प्रैक्टिस, आपको सिर्फ ऐसा लग जा रहा है कि आपको आ जा रहा है सब, नहीं, सोच को अपने चेंज करो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है? तो आज हम क्या करते हैं, यहीं पर इसको स्टॉप करते हैं। कल इंशाल्लाह रहेगा अपना एलिमिनेशन, उसके टाइप्स एंड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ओके, तो फिर टाइप्स ऑफ रिएक्शन खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर आने के बाद प्यूरिफिकेशन पार्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलो इसको फोटो और स्टॉप।